पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बेल दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये मालूम है कि किस दिशा में जाना है, लेकिन कुछ बेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, इसलिए उन्हें बार बार टोचना पड़ता है ताकि वो सही तरीके से चल सके। निगम के अधिकारियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हाईकोर्ट ने इंदौर के सफाई मॉडल की प्रशंसा की। शुक्रवार को ही सुनवाई में निगम की रिपोर्ट देखने के बाद डिवीजन बेंच ने मुख्य विधिक सलाहकार दीपक खोत से पूछा कि आपने इंदौर का मॉडल देखा है। खोत ने बताया कि हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में उन्होंने देखा कि इंदौर नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था के लिए किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शहर की सफाई में सुधार को बहुत आवश्यकता है। स्थिति यह है कि लैंडफिल साइट के पास से निकलने पर इतनी दुर्गंध आती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्वालियर को भी इंदौर नगर निगम से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।